तो कोसली से बीजेपी प्रत्याशी अनिल यादव ने हल्के में जनसंपर्क अभियान करके लोगों से वोट की अपील की। युवाओं ने बाइक रैली निकाल करके फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और उन्हें सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। इस मौके पर अनिल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा से ही जनता के हित को सर्वोपरि रखा है। विकास की गति को और तेज करने के लिए आने वाली 5 तारीख को कमल के निशान का बटन दबा करके विजयी बनाएं, इससे विकास की एक नई इबारत लिखी जा सके। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। माहौल बहुत ही बढ़िया है, सभी बुजुर्गों माताओं नौजवान साथियों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि फैसला हो चुका है। अनुभवी तो होंगे लेकिन आपने ये देखा, इतना अनुभव होते हुए अभी तक सिर्फ एक बार ही सफलता पा पाए। और हमने तो, मेरे दादाजी ने 4 बार इलेक्शन लड़े हुए हैं, सरपंच जी लड़े, मेरे चाचा जी ने इलेक्शन लड़े हुए हैं, मेरे चाचा जी पुत्रवधू ने इलेक्शन लड़े हुए हैं, तो हम भी 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। ये छोटा बड़ा का थोड़ा फर्क हो सकता है, मैं जिला परिषद 2 बार इलेक्शन लड़ा हूं, तो ऐसा नहीं है। अनुभव तो हमारे पास भी उनका थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आपने देखा उनके अनुभव होते हुए भी कितनी बार उनको कामयाबी मिली, ये आप सब जानते हो।